लिए। हम बोले बिल्कुल ठीक बात है, आजकल मध्य प्रदेश में सारा कंट्रोल दिल्ली से ही चल रहा है। बेचारे नरोत्तम मिश्रा जी, उनको फिल्म का बड़ा इंटरेस्ट है, अक्सर दीपिका पादुकोण को देखते रहते हैं। तो दीपिका पादुकोण क्या पहनी है? अरे राज्य चला लो यार, गृह मंत्री हो, तुम्हारे राज्य में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, राज्य समझ में नहीं रहा है। कहते हैं ना, घर में नहीं दाने आम्मा चले भुनाने। पहले अपना राज्य तो चला लीजिए। आए दिन घोटाले होते रहते हैं और पूरा कंट्रोल, पहले इनको मुख्यमंत्री बनने का मन था, मुझे भी सूत्रों से पता चला है। क्या क्या जी साहब, मीडिया के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बोलिए ना, डरिए मत। अरे लोकतंत्र है, सबको बोलने का हक है। अरे हम लोग तो एक नारा लगाते हैं, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। कितने लोगों को जेल में डाल देंगे? सच बोलिए, सच की ताकत होती है। पहले इनको कहा कि ऐसे ही उलझुल बात किया करो, सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाओगे। और जैसे पटवारी की परीक्षा की टॉपर को मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली लगती है, इनको भी सत्ता का केंद्र आजकल दिल्ली लगता है। और जब चुनाव आता है तो दिल्ली इंदौर में घूमना शुरू कर देता है। आजकल दिल्ली इंदौर घूम रहा है। तो जब आ ही गए हैं नेकी और पूछ, तो इनसे पूछ लेना चाहिए कि क्यों घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, क्यों आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, क्यों महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, क्यों आपके द्वारा किए गए एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। और जब चुनाव आया है, लाडली योजना, समझ रहे हैं साहेब, अपने लाडले के लिए ये लाडली योजना लेकर के आए हैं साहब। ये सच्चाई हम देख रहे हैं। इस सच्चाई को मैं अपने आदिवासी भाई बंधुओं से कहना चाहता हूं, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि ये मौका है कि जो 20 साल से आपने अत्याचार झेला है, उस अत्याचार का आपको बदला लेना है और उनको एहसास कराना है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। ये लोकतंत्र की ताकत है, और लोकतंत्र की ताकत ये है कि सब लोगों को चुनाव लड़ना पड़ता है। कमलनाथ जी भी चुनाव लड़ते हैं, दिग्विजय सिंह जी भी चुनाव लड़ते हैं, और नरोत्तम मिश्रा को भी लड़ना पड़ता है। एक उदाहरण आप मुझे सोच करके बताइए। और यहाँ पे चूंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, इसलिए कहना जरूरी है कि श्रीमती गांधी को दो बेटे, संजय गांधी और राजीव गांधी, दोनों कांग्रेस में थे। बाद में संजय गांधी जी की पत्नी बीजेपी में चली गई, चुनाव लड़ी, चुनाव जीती। राजीव गांधी जी की पत्नी भी चुनाव लड़ी, चुनाव जीती। तो बीजेपी में लोकतंत्र कैसे है और कांग्रेस में राजतंत्र कैसे है? वहां जो बहुत चुनाव जीती तो वो लोकतंत्र है, और श्रीमती गांधी के यहां जो बहुत चुनाव जीते तो यह राजतंत्र है। हाय रे बेईमानी, बेशर्मी देखे हो, बेशर्मी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।